हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। स्वागत है आप सभी का द कहानी सीरीज के इस लेक्चर में, जहां पर हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला चैप्टर जो है क्लास 10 सिविक्स का, उसे रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर के नाम के साथ में मुस्कुराहट क्यों? मुझे पता है आप सभी लोगों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम ये जाती है कि आखिरकार कहना क्या चाहता है चैप्टर। तो बेसिकली आपको आगे आने वाले एक मिनट में पहले मैं वो एसेंस दे देता हूं और फिर फटाफट से पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के एक दिन पहले आप इस वीडियो से और बेहतरीन तरह से चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। अगली चीज, हार्ड वर्क कैनॉट बी रिप्लेस्ड। मैं हर कहानी सीरीज के वीडियो में बोलता हूं आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको आंसर्स लिखना पड़ेंगे, लेकिन रिविजन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो बेसिकली क्या होता है ना, आप एक कार जब खरीदते हैं तो आप उस कार को खरीदने के बाद में क्या करते हो, आप उसे उसके आउटकम को एसेस करते हो, ठीक है। कैसे एसेस करते हो उसके आउटकम को, आप देखते हैं माइलेज कितना दे रही है, आप ये देखते हैं कि वो प्रोटेक्शन कितना है, आप ये देखते हैं उसमें कंफर्ट कितना है। ठीक उसी तरह से जब हमने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है ना, तो हम ये भी देखते हैं कि डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया तो उससे हमें मिल क्या रहा है। तो इस चैप्टर में बेसिकली वही बताया गया कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, सोशल एस्पेक्ट पे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्या आउटकम डेमोक्रेसी प्रोड्यूस करती है। ये चैप्टर की एसेंस है। हम ये देखते हैं कि क्या अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी प्रोड्यूस कर रहा है। हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, नहीं होती है। हम ये देखते हैं कि क्या रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है डेमोक्रेसी में या नहीं है। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आप डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। वैसे आप क्या देखते हैं, सोशल एस्पेक्ट पे डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करते हैं कि क्या अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी होता है नहीं होता है डेमोक्रेसी में। आप ये देखते हैं कि क्या इंडिविजुअल राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट है या नहीं है, फ्रीडम है नहीं है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करता है। तो ये बड़ी पिक्चर है, ये एसेंस है इस चैप्टर का। आई होप आपको क्लैरिटी मिली अब इस चीज पे। अब अगर हम चैप्टर में कूद ही लगाते हैं, चैप्टर को समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली हम स्टार्ट यहीं से करते हैं कि आप डेमोक्रेसी को एसेस करोगे तो आप किससे एसेस करोगे, आप कंपेयर करोगे दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है, एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बन के आता है। तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेहतर है, पहली चीज, सबसे पहली क्या है कि डेमोक्रेसी क्या करता है, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजंस। डेमोक्रेसी में सबको इक्वल देखा जाता है, जो शायद नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना हो, ठीक है। यहां पे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल जो उसे एनहांस किया जाता है डेमोक्रेसी में। तीसरी चीज, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेसी में वो इंप्रूव्ड क्वालिटी का डिसीजन रहता है, क्योंकि इतने सारे लोग सिर लड़ा रहे होते हैं आपस में। चौथी चीज, जैसे अगर आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी क्या करता है, आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। नो डाउट सोसाइटीज में डिफरेंसेस होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी वहां पे क्या करता है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है। और पांचवी चीज, पांचवा पॉइंट जो डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर बनाता है, वो क्या है, वो ये है कि डेमोक्रेसी में आपके पास स्कोप होता है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। क्लास 9th का पहला चैप्टर था जहां पर आपने ये देखा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये एडवांटेजेस है और इसी कारण से डेमोक्रेसी अदर कह सकते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब अगर आगे बढ़े थोड़ा और, तो जैसे आप यहां पे देखेंगे कि ये सारी चीजें तो आपने सर पॉइंट्स बताए, बड़े अच्छे से ताली बजाते हैं, लेकिन क्या डेमोक्रेसी ये सारे पॉइंट्स को फुलफिल कर पाता है, नहीं ना। ये मॉरली तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसीलिए एक पॉइंट निकल के आता है कि डेमोक्रेसी इज गुड इन प्रिंसिपल बट नॉट सो गुड व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहां पे सवाल वही निकलता है, क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ हम मॉरल रीजंस के कारण एक्सेप्ट करते हैं या फिर उसके पीछे कोई प्रूडेंशियल रीजन भी होता है। तो मॉरल रीजन के अलावा भी प्रूडेंशियल रीजंस होते हैं डेमोक्रेसी में। प्रूडेंशियल रीजन मतलब क्या है कि यस, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ये सोचने पे, समझने पे मजबूर करते हैं, ये एक्सेप्ट करने पे मजबूर करते हैं, परसुएट करते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड आप देखोगे ना, अलग अलग डेमोक्रेसीज है, सब में सिमिलरिटी है कि सबके कॉन्स्टिट्यूशन है, सबके पास राइट्स है, सबने क्या दिए, लोगों को, सिटीजंस को राइट्स दिए, ठीक है। और उस बेसिस पे हर डेमोक्रेसी में आपको डिसिमिलरिटी ये देखने को मिलेगी कि हर डेमोक्रेसी एक अलग आउटकम प्रोड्यूस करती है, हर डेमोक्रेसी एक अलग आउटकम प्रोड्यूस करती है। सिमिलैरिटीज है और सिमिलैरिटीज इन द सेंस कि वो इंस्टीट्यूशनल सिमिलैरिटीज है, और आउटकम्स इंडिया में जो डेमोक्रेटिक आउटकम होंगे वो अलग होंगे व्हेन कंपेयर्ड विद द यूएसए और यूरोप, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, डेमोक्रेसी आपको क्या कर रही है, अब हम हमारी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से इतनी रख लेते हैं क्या, कि हम ये सोचते हैं डेमोक्रेसी सारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा, और जब सलूशंस नहीं मिलते हैं तो हम डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे याद दिलाया जाना चाहिए क्या कि डेमोक्रेसी कोई कह सकते हैं अलादीन का चिराग नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, वो चीजों को फैसिलिटेट करता है। अल्टीमेटली उसमें पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, लेकिन ये एक सिद्ध चीज है क्या कि इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट विच इज बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल।
ठीक है, अदर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, तो हम कैसे एसेस करेंगे डेमोक्रेसी के आउटकम को, हम उसे कंपेयर करेंगे दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, हम ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को हमें ये याद दिलाना होगा कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, रदर इट प्रोवाइड्स अस द सर्कमस्टेंसेस, इट प्रोवाइड्स अस द एटमॉस्फेयर जिसके चलते हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। समझ में आया इतना? तो दिस वॉज द स्टोरी। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको जो बताया ना कि आप वही डेमोक्रेसी के आउटकम को, डेमोक्रेसी के आउटकम को अलग अलग एस्पेक्ट्स पे क्या करते हैं, एसेस करते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स पे आप डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करते हैं। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स क्या है? पहला एस्पेक्ट जिसे आप देखोगे तो वो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो आप देखते हैं कि डेमोक्रेसी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और लेजिटिमेट है या नहीं है। अकाउंटेबल मतलब होता है जवाबदेह, कि इज द गवर्नमेंट अंडर डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द पीपल और नॉट। ठीक है, तो अकाउंटेबल मतलब आंसरेबिलिटी फिक्स करना। तो क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल होती है? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होती है? रिस्पॉन्सिव मतलब whether it responds to the need of the people or not। और legitimate क्या होती है? कि वो people's own government होती है। अगर इसे समझें तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि यही निकल के आता है कि डेमोक्रेसी को एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट किया जाता है, और डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती भी है। क्यों होती है? उसके पीछे का कारण सिंपल सा ये है, क्योंकि वो जो भी कंट्री में चल रहा होता ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहां पे हर एक इवेंट के लिए, हर एक कह सकते हैं एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती गवर्नमेंट। लोग सरकार से सवाल पूछते हैं। ठीक है, यह कहा जाता है कि मतलब यहां पे आप कॉन्ट्रडिक्शन क्या देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेस इफेक्टिव होती है, लेकिन लेस इफेक्टिव होने के बावजूद भी क्या है, क्यों? क्योंकि वो डिलेज बहुत ज्यादा लगाती है ना, कोई भी डिसीजन लेने में कितना समय लगाती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, वो डिलेज वर्थ इट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन निकल के आता है वो क्या रहता है, वो एनहांस्ड रहता है, वो बहुत मैच्योर्ड रहता है, क्योंकि इतने सारे डिबेट और डिस्कशन से गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये डेमोक्रेसी का आप क्या देख सकते हैं, आउटकम को एसेस जब कर रहे हो आप, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी पे, तो वो अकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्वालिटी डिसीजंस निकल के आ रहे हैं। जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं जिसके थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं, वो लोगों को पता होता है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है। इस चैप्टर से इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। तो व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंट? वेदर ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि पीपल आर देयर एंड पीपल कैन लुक हाउ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन। जो प्रोसीजर्स है वो लोगों को पता होती है। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, और इस सेंस में हम क्या सकते हैं क्या कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। अब अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबल की, तो रिस्पॉन्सिबल या फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसे होती है? तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दोज एक्सपेक्टेशंस। क्यों? अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट बदली जा सकती है। तो एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंस्टांसेस देखने को मिलेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब लूप होल्स है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, वो लोगों से बातें छुपा लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो बेहतर है, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो। यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की नीड के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करती है। अब तीसरा एस्पेक्ट जो है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकता है रिस्पॉन्सिव ना हो सकता है अकाउंटेबल ना हो सकता है लेस इफेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, लेकिन एक पॉइंट जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की पीठ पे थपकी देने के लिए हमें मजबूर करता है, वो क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब क्या है कि वो जैसी भी है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है। एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोग शिकायत ये तक नहीं कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है वो जैसी भी है वो वैसी है। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर गलत भी है तो लोग ये कह सकते हैं कि हमने ही चुनी, हमें ही भुगतना पड़ेगा। तो उस सेंस में क्या है, वो पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है, वहां पे उसके पास लेजिटिमेसी होती है उसके डिसीजंस लेने के लिए। सो दिस वॉज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आपने देखा कि हाँ, एक अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। देर आर प्रॉब्लम्स, करप्शन के इंस्टांसेस देखने को मिलेंगे आपको। आपको ये देखने को मिलेगा क्या है कि लेस इफेक्टिव होती है। आपको ये देखने को मिलेगा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट होती है। क्लियर हुआ? अब अगर हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बाद में इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आते हैं, तो डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट पे क्या रिजल्ट, क्या आउटकम देती है। तो देखिए, अगर आप डेटा को उठा के देखेंगे तो 1950 से 2000 तक में जितने भी डिक्टेटोरियल रिजीम्स रहे हैं, मतलब जहां डिक्टेटरशिप रही और जहां डेमोक्रेसी, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि डिक्टेटरशिप में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ थी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हाई रही है। तो क्या हम इस एस्पेक्ट पे कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर देंगे और डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट कर लेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कंट्री के पॉपुलेशन क्या है, कंट्री का साइज क्या है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड उस कंट्री को कितना कोऑपरेशन मिल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे भी क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। तो सिर्फ
इस बेसिस पर कि डिक्टेटरशिप में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज्यादा है और वो भी स्लाइटली, बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जैसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जो लेस डेवलप्ड डिक्टेटरशिप्स हैं और लेस डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं, ठीक है, दोनों ही जगह क्या है, लगभग लगभग सेम है। जो डिफरेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो नेग्लिजिबल है। तो इस सेंस में हम क्या कह सकते हैं, इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आप डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट डेमोक्रेसी में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, डेमोक्रेसी में आउटकम मान लिया चलो उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, लेकिन एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट, हम डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी विल नॉट लैग बिहाइंड द डिक्टेटरशिप्स और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पीछे नहीं रहेगी, वो भी अपना पुश देने का प्रयास करेगी। वैसे ही अगर हम बात करें रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे एक और पॉइंट हो गया जहां हम डेमोक्रेसी के आउटकम को क्या करेंगे, एसेस करेंगे। तो डेमोक्रेसी के इस आउटकम को जब आप एसेस करते हैं कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कितना रिड्यूस करती है, पॉवर्टी को कितना, तो ये और इंपॉर्टेंट है। मान लिया हमने क्या कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी एक तरह से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट नहीं दे पा रही है, लेकिन कम से कम इकोनॉमिक इक्वालिटी तो मेंटेन करे, इनइक्वालिटीज को खत्म करे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। क्या ये एक्सपेक्टेशंस पूरी हो पाती है? तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा देयर आर इंस्टेंसेस जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है। आपको ये देखने को मिलेगा कि एक रिच सेक्शन जो है, अल्ट्रा रिच सेक्शन, अनफेयर डिस्प्रोपोर्शनेट, मतलब अनफेयर प्रोपोर्शनेट जो है वो क्या कर रहा है, एंजॉय करता है वेल्थ का, और एक बड़ा सेक्शन जो रहता है जो पॉवर्टी से जूझ रहा है, जिसके पास में वेल्थ का सेक्शन कम होता है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में डेमोक्रेसीज उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो क्या नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में चले जाए? नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी यही समस्या होती है। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के प्रयास भी नहीं करते देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होता है, सरकार को भी पता है कि पॉवर्टी जो है, अगर वो पॉवर्टी बड़ा सेक्शन है, पॉवर्टी के रिडक्शन में प्रयास करेंगे तो हमें वोट बैंक मिलेगा, ठीक है। एट टाइम्स लीडर्स उस चीज को नेग्लेक्ट भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, डेमोक्रेसी को जो अगर आप एसेस करोगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी को रिड्यूस करने वाले एस्पेक्ट पे, तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ जाएगी कि डेमोक्रेसी में प्रयास तो किया जाएगा, ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो शायद वो भी ना किया जाए। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे आपने देख लिया डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है। वैसे ही अगर हम जाते हैं कहां पे, सोशल एस्पेक्ट पे, कि सोशल सोशल स्फीयर में, सामाजिक क्षेत्र में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, तो आप क्या देखेंगे, पहला टॉपिक जो आपका आता है वो होता है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब देखिए क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं, नो डाउट डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में, जैसे आपने श्रीलंका के केस में पढ़ा था, बेल्जियम के केस में पढ़ा था। अब क्या इन डिफरेंसेस को, इन डिफरेंसेस को अगर आप सही तरीके से हैंडल नहीं करोगे तो कन्फ्लिक्ट्स में क्रिएट हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स में क्रिएट हो सकते हैं। तो अब इसे आप डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में अप्लाई करके देखने की कोशिश करो। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में एटलीस्ट वो स्पेस होता है, वो रूम होता है। जो हमने स्टार्टिंग में 5 पॉइंट्स पढ़े थे कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर क्यों है, तो वहां पे क्या करती है, इट प्रोवाइड्स एज द मेथड्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, सोशल डाइवर्सिटीज जो, उसको अकोमोडेट करने का प्रयास करती है डेमोक्रेसी, जो कि शायद नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे हिटलर के केस में आपने क्या देखा था कि वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं डाइवर्सिटी के टुवर्ड्स, वो क्या करते हैं, वो अपने ग्रुप को ही प्रेस करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर श्रीलंका भी तो डेमोक्रेसी था, लेकिन वहां पे तो सर डेमोक्रेसी आपने क्या देखा कि वहां पे अकोमोडेशन तो हुआ नहीं डाइवर्सिटी का डेमोक्रेसी होने के बावजूद। तो यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी, क्या ध्यान रखना पड़ेगी, कि अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। क्या कि आप यहां पे मेजोरिटी ओपिनियंस को डोमिनेट मत करवाओ, ठीक है। मान लिया डेमोक्रेसी रिसाइड्स ऑन द ओपिनियंस ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी के बेसिस पे डेमोक्रेसी चलती है। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, मेजोरिटी गवर्नमेंट से बनता है, लेकिन मेजोरिटी ओपिनियन हमेशा इंपोज ना किया जाए, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। मेजोरिटी नीड्स टू वर्क विथ माइनॉरिटी, दिस इज द एस्पेक्ट विच यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर, ठीक है। इस एस्पेक्ट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो ये इंश्योर करती है कि अकोमोडेशन हो डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी का, कि मेजोरिटी को आप क्या कर दोगे, मेजोरिटी को आप किसी रेस, किसी लैंग्वेज, किसी रिलीजन, किसी कास्ट के बेसिस पे डिफाइन नहीं करोगे। मेजोरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियंस परमानेंट नहीं होना चाहिए, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए वो मेजोरिटी में आ सके अपने वोटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, अपने वोटिंग राइट्स के थ्रू। तो इस तरह से क्या है, यहां पे आपको इन एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना होगा कि मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी किसी भी तरह से फिक्स ना की जाए कास्ट, रिलीजन, जेंडर इस बेसिस पर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया डेमोक्रेसी अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी में क्या एस्पेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो हम एटलीस्ट डेमोक्रेसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट देयर आर रिजल्ट्स विच शोज दैट डेमोक्रेसी में अकोमोडेशन होता है सोशल डाइवर्सिटी का।
लास्ट एस्पेक्ट जो है चैप्टर का, ठीक है, वो क्या है, आप डेमोक्रेसी के आउटकम को एसेस करते हो इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग द डिग्निटी और डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, तो वहां के जो सिटीजन हैं उनकी इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को और फ्रीडम को एनहांस करने में, ठीक है, सिक्योर करने में डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करते हैं, तो डेमोक्रेसी हो सकता है डाइवर्सिटी को अकोमोडेट ना करे, डेमोक्रेसी हो सकता है क्या, डेमोक्रेसी हो सकता है कि एक तरह से वो ना करे क्या, डेमोक्रेसी हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ ना दे, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म ना करे, हो सकता है लेस इफेक्टिव हो, अकाउंटेबल ना हो, हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव ना हो, लेजिटिमेट तो रहेगी खैर, ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू द प्रमोशन ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजंस, क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है, तो जहां पर क्या होता है, जहां पर आप इंडिविजुअल सेंट्रिक गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स को सर्वोपरि माना जाता है, डेमोक्रेसी इज अ टू द पीपल, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल जो कहा जाता है, तो उसका एस्पेक्ट उस नोशन का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम को सर्वोपरि माना जाएगा, ठीक है, तो इस केस में जैसे आप देखेंगे तो विमेन, तो आप क्या देखते हैं, सिंस टाइम इमेमोरियल विमेन को क्या किया गया है, उनके पॉलिटिकल राइट से डिनाई किया गया है, ठीक है, तो अब वो क्या है और कंटिन्यूसली स्ट्रगल भी करती रही है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में विमेन को स्ट्रगल करने का पॉइंट मिलता है, एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो विमेन आवाज तक नहीं उठा सकती ना, क्योंकि उन्हें पता है यहां आवाज उठाने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में जब आप इक्वालिटी की बात करते हो तो महिलाएं उस इक्वालिटी का हवाला देते हुए क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स को क्लेम कर सकती है, केस इज सिमिलर फॉर द कास्ट इनइक्वालिटीज इन आवर कंट्री, कास्ट इनइक्वालिटीज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नो डाउट होता है आज भी, लेकिन क्या है उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में, ठीक है, एक जंग छेड़ देने का अधिकार तो है ना लोगों के पास में, तो इस सेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, इस सेंस में आपको देखने को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स और फ्रीडम ऑफ सिटीजंस को इंश्योर करने में सर्वोपरि है, एक बहुत पॉजिटिव आउटकम प्रोड्यूस करती है, नो डाउट हमारी एक्सपेक्टेशंस जो है डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, लास्ट एस्पेक्ट अच्छे से समझना, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती है और हमारी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से अपने आप में यह सिद्ध करती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्ट भी वहां करते हैं जहां हमें रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है ना, और जो कंटिन्यूसली क्या कह सकते हैं डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते डेमोक्रेसी कंटिन्यूसली अंडर दी टेस्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी का हर रोज एग्जाम होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी एक आपके मतलब कह सकते हैं एस्पिरेशन को फुलफिल करती तो आप दूसरी सेट करते हो, और जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे डेमोक्रेसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो ये अपने आप में डेमोक्रेसी की एक सक्सेस होती है, कि डेमोक्रेसी क्या मतलब ऐसा रहता है ना कि आपको मैं एक टारगेट दूंगा आप कंप्लीट करोगे, दूसरा दूंगा, तीसरा दूंगा, चौथा दूंगा, तो मैं अपने आप में ये बोलूंगा कि ही इज द बेस्ट और शी इज द बेस्ट, क्यों, क्योंकि आप मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर रहे हो, फाइन, तो जो एग्जामिनेशन होता है डेमोक्रेसी का वो इसीलिए कभी खत्म नहीं होता है, समझ में आया, तो ये पॉइंट सारे जो थे इस चैप्टर में बताए गए, बेसिकली बड़ा कसा हुआ चैप्टर है, अगर उसे सही तरीके से समझा जाए, हर एक टॉपिक को आप ये देखना कि डेमोक्रेसी इन एस्पेक्ट्स पे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है, इन एस्पेक्ट्स पे क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, दिस वॉज दी होल स्टोरी अबाउट दी चैप्टर, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको चैप्टर एक स्नैप रिकैप हो गया, पूरा चैप्टर समझ में आ गया, तो हमारा चैप्टर यहां पर होता है समाप्त, ठीक है, इसी के साथ सिविक्स के दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए, इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने आपको एग्जाम पैक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए हैं, चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेन करवा दिया, नोट्स चाहिए, स्पेशल क्लासेस अटेंड करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके लिए आपको कनेक्टेड रहना होगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिएगा, जहां पर आपको सारे फीचर्स, नोट्स, स्पेशल क्लास, ठीक है, क्विज, पोल्स, स्कॉलरशिप एग्जाम, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, ये कम्युनिटी सेक्शन होता है, नया फीचर है जहां से आप नोट्स PDF के फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, तो चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है समाप्त, स्वाहा, पूर्ण आहुति देते हैं, आई होप यू पीपल एंजॉयड, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और चैप्टर्स को स्नैप रिकैप करेंगे, तब तक पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।